हेलो दोस्तों, आप सभी का ईसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं मुस्कान वर्मा आप सभी के लिए जोरदार प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ, जिनका जवाब आप सभी को फटाफट देना है, ठीक है? और जिस बच्चे को जवाब आता हो वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकता है। तो भाई देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न, सबसे सामान्य एवं आदर्श श्रोणी कौन सी होती है, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस। जल्दी से बताइएगा आंसर कि भाई सबसे जो कॉमनली पाई जाने वाली माँ के अंदर पेल्विस कौन सी होती है, जिसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होती है डिलीवरी करवाने में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, गाइनेकोइड पेल्विस। कौन सी श्रोणी होती है, गाइनेकोइड नाम की श्रोणी होती है, जिसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गेस्टेशनल एज, जो हमारी गर्भ का समय होता है, गर्भावस्था का समय होता है, इसको गर्भकालीन आयु को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, किस से इसकी गणना की जाती है। पहले मासिक धर्म का पहला दिन, पहली महावारी का आखिरी दिन, आखिरी महावारी का पहला दिन, आखिरी महावारी का 14वां दिन। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। तो भाई जैसे हमें पता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तो हम काउंट करते हैं, लेकिन पूछ लिया जाए कौन से दिन से तो हम बोलेंगे पहले दिन से, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के भी पहले दिन से हम क्या गर्भकालीन आयु को काउंट करना शुरू कर देते हैं, गेस्टेशनल एज को काउंट करना हम शुरू कर देंगे, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन। तो अपना आंसर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर। और पिछले क्वेश्चन का क्या आंसर था, बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना क्या कहलाता है, कौन सा साइन होता है अगर हमारा यूट्रस क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, उसको हम कौन सा साइन बोलेंगे, जैकेमर का लक्षण, ओसिएंडर का लक्षण, गुडेल का लक्षण या हैगार का लक्षण। जल्दी बताओ कौन सा सिम्टम होता है, जैकेमर साइन, ओसिएंडर साइन, गुडेल साइन या फिर हैगार साइन। तो इसका आंसर क्या होगा, गुडेल साइन। क्या बोला जाएगा उसको हमें, गुडेल साइन के नाम से बोला जाएगा, जिसके अंदर हमारी जो गर्भ या गर्भाशय ग्रीवा होती है वो क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, सर्विक्स जो है प्रेगनेंसी के दौरान सॉफ्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडेल साइन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ नहीं है, मतलब कौन सा एक तरीके से साइन नहीं होता है प्रेगनेंसी का, मतलब एक चयन होते हैं अलग अलग कि भाई प्रेग्नेंट होती है जब कोई लेडी, उसके अंदर अलग अलग से हमें क्या देखने को मिलते हैं कि भाई ये साइन इस ट्राइमेस्टर में है, इस तिमाही के अंदर है, दूसरी तिमाही के अंदर, तो अलग अलग लक्षणों से फीमेल को पता लग जाता है कि कितना बच्चा ग्रो हुआ है। तो इनमें से बताओ कौन सा चयन नहीं है जो एक गर्भवती महिला के अंदर देखने को नहीं मिलता, क्या वो चैडविक लक्षण, ब्रुडजिंस्की का लक्षण, हैगार का लक्षण, गुडेल का लक्षण। जल्दी बताओ चैडविक सिम्टम, ब्रुडजिंस्की, हैगार या फिर गुडेल, कौन सा होगा वो, जल्दी बताइएगा, ए बी सी डी। कौन सा आंसर होगा अपना, ब्रूड जींस की। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ब्रूड जींस की सिम्टम हो जाएगा, क्योंकि ये सिम्टम कहाँ पे देखने को मिलता है, मेनिनजाइटिस की बीमारी में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ और कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है हमसे पूछा जाए कि भाई कर्निग साइन होता है जो हमें किस में देखने को मिलता है, मेनिनजाइटिस की बीमारी में देखने को मिलता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर, जो कि गर्भवती महिला के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब मुझे बताओ निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के दूसरी तिमाही का लक्षण नहीं होता है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एक होमवर्क के तौर पर है। सभी बच्चों को इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना, जिस भी बच्चे को आता हो, गलत आता हो, सही आता हो, कमेंट अपने घर की है तो चिंता मत करना, ये मत सोचना कि मुझे नहीं आता दूसरों को आता, तो ऐसा कुछ नहीं, अपना कमेंट करके आंसर जरूर देना है कि भाई कौन सा लक्षण जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं होता, क्या उसमें क्विकनिंग नहीं होती, क्विकनिंग होता है बच्चे की मूवमेंट को फील करना, क्या उसमें फंडल ऊंचाई और सुनिश्चित उपस्थिति का नहीं पता चलता, मोन्टगोरी ट्यूबरकल नहीं देखने को मिलते, या भ्रूण के दिल की आवाज का पता नहीं लग पाता, कौन सी चीज दूसरे तिमाही में देखने को नहीं मिलती। बस बेसिक सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या है ये होमवर्क है, आप लोगों को इसका आंसर जो है कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है? सभी के जो है कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, कौन कौन क्या क्या कमेंट करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पर्सन, बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले ध्रुव पर स्थित होता है उसको क्या कहा जाता है। भाई देखो कोई बेबी है वो बढ़ रहा है, उसका पार्ट नीचे भी आएगा। अब मुझे बताओ कोई पैर आ रहे हैं, बच्चे का सर आ रहा है यूट्रस से बाहर, तो उस पार्ट को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्या चीज आ रही है, उसकी
प्रेजेंटेशन है, एटीट्यूड है, पोजीशन है या फिर लाई है? जल्दी बताओ क्या चीज होगी, लाई, भ्रूण की प्रस्तुति, भ्रूण का एटीट्यूड या भ्रूण की स्थिति? ए बी सी डी क्या चीज होगी वो, जल्दी जल्दी बताइएगा अपना आंसर। देखो जब भी कोई बच्चे का पार्ट बाहर आता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारे सामने आके दिखाई दे तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन। बच्चे की प्रस्तुति कैसी, बच्चों के पैर आ रहे हैं पहले, बच्चों का सिर आ रहा है, बच्चे के हाथ आ रहे हैं, क्या चीज आ रही, तो क्या कहलाती है, प्रेजेंटेशन ऑफ फिटस या फिर भ्रूण की प्रस्तुति। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। भ्रूण के विभिन्न अंगों का आपस में संबंध क्या कहलाता है? देखो जैसे हमारे, जैसे छोटा बच्चा होता है माँ के पेट में, फिटस है, उसका पैर जैसे सी शेप में होता है, सभी को पता है ऐसे सी शेप में मुड़ा होगा, उसका हेड इस साइड होगा, उसके पैर उसके साथ मिले होंगे, तो ये एक पोस्चर बन जाती है उसकी, मतलब एक तरीके से ये लगा लो प्रेजेंटेशन, उसके दूसरे, उसके ही शरीर के अंगों का एक दूसरे के साथ क्या होना, संबंध होना, कि भाई ये ऊपर है वो नीचे है, इस चीज को क्या कहा जाएगा, वो किस तरीके से लाई कर रहा है, भ्रूण की प्रस्तुति कैसे है या फिर एटीट्यूड कैसा है फीटस का या फिर पोजिशन कैसी है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई वो एटीट्यूड है फीटस का, कि वो किस तरह से अपने बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग उसके संबंध में किस तरह बच्चा माँ के घर में है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट, मानव भ्रूण का सबसे सामान्य लाई, मतलब बच्चा जो है किस पोजीशन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, किस लाई के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल में आड़ा पाया जाता है, तिरछा पाया जाता है, स्थिर पाया जाता है, जल्दी बताओ ए बी सी डी किस प्रकार जो है बच्चा नॉर्मली पाया जाता है, तो अपना क्या जवाब होगा यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल लाई जो होती है अपनी, ये सबसे ज्यादा कॉमन लाई होती है, बच्चा जो है कैसा पाया जाएगा, ऐसे पैर नीचे, सॉरी पैर, सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ पाया जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे सीधा पाया जाना क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल लाई कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन, कॉमनली पूछा, वैसे सब तरीके से पा सकता है लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब आपसे पूछा गया कि एम्ब्रियो और भ्रूण का उसकी माँ से निष्कासन, वह जीवित रहने में सक्षम नहीं है के रूप में जाना, मतलब एक तरीके से बच्चा बाहर निकला, एक्सपल्जन हुआ एम्ब्रियो का या फिटस का उसकी माँ के गर्भ से, लेकिन वो एबल नहीं है जीवित रहने के, मतलब वो समय से पहले ही आ गया है, तो इनमें से उसको क्या चीज बोलेंगे, डिलीवरी। डिलीवरी जब होती है जब बच्चा अच्छे से ग्रो कर गया और वो बाद में अपने आप ही डिलीवर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिलीवरी, अपने आप ही आया हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद डिलीवरी, वही ऑप्शन, ये भी गलत है। सीजेरियन सेक्शन, जब भाई क्या है, पेट को ऑपरेट किया गया है, पेट में से बच्चा निकाला गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीजेरियन सेक्शन। अब है अबॉर्शन की, भाई माँ ने परमिशन नहीं दी थी, बच्चा ग्रो नहीं किया था, बच्चा जीवित नहीं रह सकता था बाहर, लेकिन अपने आप ही बच्चा बाहर आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अबॉर्शन विद क्लिनिकल फीचर ऑफ यूट्राइन इन्फेक्शन, मतलब गर्भाशय के संक्रमण की नैदानिक विशेषता वाला गर्भपात, मतलब एक ऐसा अबॉर्शन जिसके अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, उस अबॉर्शन को किस नाम से जाना जाता है, संभावित गर्भपात, इनवॉलेंट्री अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या फिर सेप्टिक गर्भपात, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टिक गर्भपात, क्योंकि सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन हो जाना, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे अबॉर्शन हो गया, गर्भपात हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टिक अबॉर्शन हो जाना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और इसके साथ साथ मैं बता दूं जो हमारा होमवर्क था उसको आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है सभी बच्चों को, जिस बच्चे का आंसर है मैं समझ जाऊंगी इस बच्चे को मेरी क्लास से कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है। जो भी बच्चा अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहता है, अपने एग्जाम कम्पिटिटिव लेवल को क्रॉस करना चाहता है, MPW कम्पिटिटिव एग्जाम की, नर्सिंग ऑफिसर की जो तैयारी करना चाहता है, DSSSC जैसे एग्जाम्स की, तो आप सभी जो है हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। लक्ष्य 2.0 बैच है जिसके अंदर आपको MPW जैसे कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है, कम्पिटिटिव एग्जाम की। जो भी बच्चा सफलतापूर्वक तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल जुड़िएगा। मैं खुद आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि इसके अंदर भाई एक तो स्पेशल आपको MPW का बैच मिलेगा, देखो एक तो आपको नर्सिंग की तैयारी भी करवाई जाएगी, साथ साथ कॉमन सिलेबस, मतलब एक तरीके से आपको नॉन नर्सिंग का भी पढ़ाया जाएगा, नर्सिंग का भी पढ़ाया जाएगा, तो एक तरीके से लगा लो नर्सिंग का जो भी टॉपिक आएगा वो भी पढ़ा देंगे, साथ साथ आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है नॉन नर्सिंग का, जैसे GK कंप्यूटर जो भी चीजें आती हैं उनके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह के बारे में भी। जो भी बच्चा इस बैच को जाए उसके उसकी फैसिलिटीज बतानी चाहिए, भाई देखो सबसे पहले इसमें सारी सारी फैकल्टी आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं,
आपको इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेंगी। सारा का सारा सिलेबस सारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड व्यू से बनाया हुआ होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का पूरा ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको। इसके साथ साथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दी जाएगी, मतलब आपको जैसे जो भी हम क्लास देते हैं उसके नोट्स दिए जाएंगे। साथ साथ आपको साथ में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, जिसमें आप अपने ये देख सकते हो भाई आज ये टॉपिक किया मैंने तो उसके मैम सीख्यू निकाल पाऊंगी या पाऊंगा अच्छे से इस चीज के बारे में। इसके बाद आपको 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ भी मिल जाएगी। अभी तक 250 क्वेश्चन आंसर मिल चुके हैं बच्चों को, इसके बाद एक बार और हम 250 क्वेश्चन डाल देंगे। तो इसके साथ साथ 10 मॉक टेस्ट, 10 नहीं 20 मॉक टेस्ट देंगे। 10 तो अभी तक अपलोड हो चुके, 12 मॉक टेस्ट हम अभी तक प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके बाद और भी टाइम लगते ही आपको बाकी मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है भाई। जिस भी बच्चे को बैच से जुड़ना है आप भी जल्दी से जल्दी बैच से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल आपको हिंदी में, बिल्कुल जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है हिंदी में पढ़ना, बायलिंगुअल वे में मेन फोकस होगा हिंदी के ऊपर। जो भी बच्चा अपनी तैयारी करना चाहता है इस बैच से जुड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच सभी का।